कभी रोज एक बार भोजन करके जो हाथ धोते हो, ये भोजन करके धोए हुए हाथ कोई मुंह पर लगा लिया करो तुरंत। भोजन करके जो हाथ धोते, इसमें जितने मसाले मिर्च है ना, इसको खाली मसाला मिर्च मत समझना, जितने स्पाइसेस हैं इस संसार में, ये सब आपके भय मिटाने वाले और शत्रु को भगाने वाले। एक जमाने में ऐसा होता था कि किसी दुश्मन के घर में मौत हो जाती, लेकिन दुश्मन भी हो मौत में तो जाना पड़ता, क्योंकि रिश्ता वाला होता था। एक रिश्ता वाला हो, वो हमारे पसंद का ना भी हो, रिश्ता है और मरगत हो गया तो लोग जाते थे। आजकल तो बिल्कुल ही शर्म छूट गया, नहीं भी जाएं, लेकिन एक जमाना था भाई मौत में दुश्मनी नहीं देखी जाती थी। उस समय क्या करते, कोई भी जाना हो नौ काली मिर्च गिन के मुंह में चबाते जाते। शास्त्र कहता है कि नौ काली मिर्च चबाते तो दुश्मन के घर जा, वो अगर जहर भी देगा तो उस जहर का तोड़ इस काली मिर्च में है ना, वो तंत्र भी करेगा तो तंत्र का तोड़ ये काली मिर्च में। काली मिर्च, लवंग, तेज पत्ती, पट्टा, जो जो चीज आप में तिकास करती है, वो आप में डर भगाती है, आपके अंदर रही हुई नकारात्मक शक्तियों को भगाती है। इलायची है, लवंग है, जिसमें सुगंध आता है, ये सुगंधी चीजें आप में समृद्धि बढ़ाती है। इसलिए पुराने जमाने में लोग जब भोजन करते थे, हमारे बुजुर्ग, भोजन करने के बाद जो भोजन कितना ही हाथ धो लो, आपको एक नैपकिन लेके पहुंचना तो पड़ता है ना, करते हो क्या? क्योंकि आप हाथ धोने के बाद भी कुछ मसाले ऑयल आपके कुछ हाथ में लगे रहते हैं, अगर ये मुंह पर आ जाए तो चेहरा स्वतः ही तेजस्वी हो जाता है। हाँ, मेरा पाउडर बिगड़ जाएगा महाराज, अब वो तू जाने। मेरा लिपस्टिक का क्या होगा महाराज, वो तू जाने। मैंने तो आपके जीवन में निकार आने वाली बात बताई, चेहरे का निकार तो किसी भी मेकअप से आ जाए। तो जितनी सुगंधी चीजें, देखो कहीं भी बाहर निकलो, उस जगह में जाने के लिए मन में एक संदेह हो रहा है कि ये जगह सही नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, तो नौ काली मिर्च चबाते हुए जाओ। उस जगह से कभी भी आपको कोई प्रकार का दुष्फल नहीं मिलेगा, वो जगह आपको सुरक्षित रखेगा। क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा बोला। हाँ, सुरक्षित रहना है क्या? हाँ, तो उस जमाने में सब लोग ऐसे काली मिर्च चबा के जाते थे।